हेलो फ्रेंड, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में एक ऐसे सर्वाइवल मूवी का रिव्यू करने वाला हूं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आप पबजी के फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस मूवी का नाम द हंट है। यह 2020 में रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो IMDb रेटिंग 6.5, रोटेन टोमेटो 56% और गूगल यूज़ 25% है। यह एक ऐसा सर्वाइवल मूवी है जो बिल्कुल पबजी पे बेस्ड है। इसमें भी एक तरफ आपका टीम और दूसरे तरफ एनिमी होता है और आपको सर्वाइव करना होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट में इस मूवी के कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर वीडियो बना सकूँ। मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे यह जरूर बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और किस मूवी का रिव्यू लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम व्यूअर देखते हैं कि एक ग्रुप जो कि प्राइवेट जेट से आने वाली हंट को सेलिब्रेट करने जा रही होती है। तभी एक आदमी जाग जाता है जो इन लोगों का कैदी होता है और वह कार्गो होल्ड से बाहर आ जाता है। कार्गो होल्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पर यह ग्रुप स्ट्रेंज पर्सन को कैद करके रखते हैं। एंटीना स्टोन इस ग्रुप के बॉस होती है और वह उस कैदी को मार देती है और उसकी बॉडी को वही कार्गो होल्ड में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम योगा पेंट होता है, होश में आने पर वह अपने आप को फॉरेस्ट में और मुंह पर बट्टी बैठती देखती है और वह अपने सामने एक लड़की देखती है जिसका भी सेम मुंह पर पट्टी बंधा हुआ होता है। उसका नाम क्रिस्टेला होता है। वह अपने बालों से एक सुई से रगड़ती है जिससे वह मैग्नेट बन जाता है और उसे पानी के एक पत्ते पर रखकर उससे डायरेक्शन का पता चलता है। तभी योगा देखती है कि उसके जैसे और भी लोग हैं जिसके मुंह पर पट्टी बंधी होती है और वह लॉक होती है। उन लोगों को एक बॉक्स मिलती है। उस बॉक्स को उनमें से एक आदमी खोलने की कोशिश करता है और सभी लोग उस बॉक्स से दूर हो जाते हैं। उस बॉक्स में से एक पिग निकलता है और आर्म्स मिलते हैं। सभी उनको लेने के लिए जाते हैं और योगा भी लेने जाती है। तभी उसे की मिलता है। उस की से सभी अपना मुख की पट्टी का लॉक खोलकर आज़ाद हो जाते हैं और सभी आर्म्स ले लेते हैं। तभी उन लोगों पर हाई डेमिनी अटैक कर देते हैं जिससे योगा मर जाती है, लेकिन डेड वहां से भाग रही होती है और भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है और हेल्प मांगती है। ट्रोकर उसे हेल्प करने जाता है तो देखता है कि डेड जो कि गिरी हुई है और उसके पैर और पेट नुकीली रोड घुसा हुआ है। वह उसे निकाल कर बाहर लाता है और दोनों भागते हैं, लेकिन ट्रोकर का पैर डायनामाइट पर चला जाता है और वह ब्लास्ट हो जाता है। फिर डेड उसी जगह पर उसी गड्ढे में बहुत बुरी हालत में होती है। वह हेल्प मांगती है। तभी स्टार्टिन आता है और वह उसे बुरी हालत में देखता है। डेड उसे बोलती है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन स्टार्टिन ऐसा करने से मना करता है तो डेड उसे बंदूक छीन कर खुद को गोली मार लेती है। स्टार्टिन वहाँ से भागते हुए बाउंड्री के पास जाता है। वहाँ पर तीन लोग और आ जाते हैं। वह सभी बाउंड्री क्रॉस करते हैं लेकिन एक आदमी को हाइड एनिमी मार देता है। स्टार्टिन और दो लोग एक गैस शॉप के पास पहुंचते हैं जिसके ऑनर एक बुढ़े कपल होते हैं। स्टार्टिन उन लोगों से लोकेशन के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि यह अरकांसस है और उसके बाद स्टार्टिन 911 पर कॉल करता है और हेल्प मांगता है। उन लोगों के साथ जो लड़की थी वह उस दुकान से कुछ खा लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह वहीं मर जाती है। वे लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी ये दोनों कपल मास्क पहनते हैं और एक साइनाइड गैस फेंक देते हैं और वे बूढ़ा स्टार्टिन को गोली मार देता है। हालांकि ये बूढ़े कपल भी किडनैपर की तरफ होते हैं और ये लोग गैस शॉप को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट कैदी आती है जिसका नाम क्रिटेला होता है। वह अफगानिस्तान की होती है। वह गैस स्टोर पर आकर उन लोगों से सिगरेट मांगती है। क्रिस्टेला को उन लोगों पर डाउट होता है और वह उन दोनों को मार देती है और गन लेकर शॉप से बाहर आती है। वह ट्रक को देखती है और ट्रक के पास जाकर वह नंबर प्लेट हटाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यह अरकांसस नहीं क्रोटिया है। फिर वह ट्रक को देखती है जिसका डोर एक वायर से जुड़ते हुए एक ट्रक के नीचे बम लगा होता है। अगर कोई उस ट्रक के डोर को खोले तो वह ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद क्रिस्टल झाड़ियों में छुपकर उन लोगों की बात सुन रही थी और वे लोग उस शॉप के ऑनर से वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वे किडनैपर एक ड्रोन भेजते हैं ताकि पता चले कि वे लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ड्रोन से वे लोग चेक कर रहे थे कि एक कैदी जिसका नाम गैरी होता है वह उस ड्रोन को गोली मारकर डैमेज कर देता है और वह ट्रक को डोर खोलने वाला होता है कि क्रिस्टल उसे अलर्ट करती है और वह बोलती है कि उसे ट्रक खोलेगा तो उसे चिथड़े उड़ जाएंगे। गैरी उस पर बंदूक तान देता है तो क्रिस्टेला उसे बताती है कि वह भी उन्हीं लोगों में से एक है। वह उसे बताती है कि तुम उस ड्रोन को मारकर गलती किए और वे दोनों रेलवे ट्रैक पकड़कर एक और जाने लगते हैं। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि उसके दोस्त बताते थे कि यह लोग हर साल लोगों को किडनैप करते हैं और उसका शिकार करते हैं। क्रिस्टेला को ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी उन लोगों के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वे लोग बोलते हैं कि वे लोग रिफ्यूजी हैं।
ट्रेन एक जगह स्टॉप करती है जहाँ क्रोटियन सोल्डर होते हैं। गैरी उन सोल्डर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि रिफ्यूजी नहीं, वह अमेरिकन है और उसे बंदी बनाकर यहाँ लाया गया है और उसका शिकार हो रहा है। तभी उस रिफ्यूजी में से एक आदमी आता है जिसका नाम क्रिसिस माइक होता है। वह गैरी को बोलता है कि उसे एक और मौका दिया जाएगा इस गेम से भागने के लिए। गैरी को गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है और एक बम उसके पैंट में डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है और माइक का चीथड़ा उड़ जाता है। उसके बाद सोल्डर्स क्रिस्टल को रिफ्यूजी कैंप ले जाते हैं। वहाँ कैंप में उसे एक ऑफिसर मिलता है और वह उन्हें बताती है कि वो अमेरिका से हैं और उसे किडनैप करके लाया गया है और वे उन लोगों से US एम्बेसी को कॉल करने के लिए बोलती हैं। तभी वहाँ डॉन मिलता है जो कि उसे भी लोग किडनैप करके शिकार के लिए लाए थे। वे दोनों खाना खा रहे थे। तभी ओलिवर आता है जो US एम्बेसी से होता है। वह उन लोगों को एम्बेसी ले जा रहा होता है और जानने की कोशिश करता है कि उन लोगों को शिकार के लिए क्यों चुना गया है। तभी क्रिस्टेला उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और फिर कार बैक करके उसे मार देती है और बाहर आकर कार की डिक्की खोलती है तो उसे गैरी की बॉडी मिलती है और ढूंढने पर एक मैप मिलता है। डॉन पूछता है यह क्या है। क्रिस्टल बोलती है यह वही जगह है जहाँ पर ओलिवर हम लोगों को ले जा रहा था। और वह उसे एक स्टोरी सुनाती है कछुआ और खरगोश की। यह तो आप लोग सुने होंगे, कछुआ जीत जाता है। इसके आगे कहानी क्रिस्टल बताती है कि खरगोश काफ़ी हरामी था। कछुआ जो अपने जीत का जश्न मना रहा था और सबको बता रहा था कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। तभी डोर पर खरगोश आता है, उसके परिवार को मार देता है और बैठकर डिनर कर रहा था। इसके बाद क्रिस्टल एक एक करके सभी को मार देती है। डॉन और क्रिस्टल आपस में बात कर रहे होते हैं कि एंटीना जो कि उस किडनैपर के बॉस होती है वह रेडियो पर डॉन को क्रिस्टल को मारने के लिए बोलती है और ऐसे बात करती है जैसे डॉन उसका ही आदमी हो। यह सोचकर क्रिस्टल डॉन को मार देती है और वहाँ पर डाले से एंटीना का लोकेशन पूछती है। वह उसे बताता है कि तुम जीत गई हो और तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल एंटीना से मिलना चाहती थी और वह उसे एंटीना का एड्रेस पूछती है। डाले उसे एड्रेस बता देता है। इसके बाद क्रिस्टल डाले के मार देती है। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाता है 1 ईयर बैक, जहां हम व्यूअर देखते हैं कि एंटीना जो कि मीटिंग कर रही होती है उसका बॉस उसके एक चैटिंग के बारे में पूछता है जहां मनोरगेट के बारे में चैटिंग होता है। मनोरगेट में आदमी का शिकार करना होता है। उसका बॉस उसे बताता है कि यह पूरा इंटरनेट पर फैला हुआ है मनोरगेट के बारे में। फिर मूवी हमें 8 महीने बाद की दिखाती है जहाँ दिखाता है कि सभी हंटर इस मोनरगेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो भी कैदी होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मूवी प्रेजेंट में आता है जहां हम व्यूअर देखते हैं कि क्रिस्टल एंटीना के घर पास पहुंच जाती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, उसे बोला जाता है कि अपना गन पोस्ट बॉक्स में डाल दे। क्रिस्टल ऐसा करने से मना करती है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह गन को रखकर घर में एंट्री करती है। वह घर के अंदर दीवार पर सभी का पिक्चर देखती है। उसके बाद एंटीना से बात होता है। एंटीना क्रिस्टल के बारे में बताती है और वह बताती है कि यह जो हो रहा है यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पर मोनरगेट के बारे में बहुत सारे अफवाह उड़ाई है जिससे मैं हकीकत में बदल दी हूँ। तभी क्रिस्टल बोलती है कि वह जिस क्रिस्टल के बारे में बात कर रही है वह नहीं है जिसे वह समझ रहे हैं। और फिर दोनों में काफ़ी देर तक फाइट होता है, दोनों काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और लास्ट में क्रिस्टल एंटीना को मार देती है। फिर वह सब कुछ खाती है और उसके बाद रेडी होकर वह प्राइवेट जेट से अपने देश लौट जाती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी के फैक्ट के बारे में बात करें तो यह ट्रू बेस्ड स्टोरी पर बनी मूवी है। 1924 में एक शॉर्ट स्टोरी द मोस्ट डेंजरस गेम पर बनी है। यह स्टोरी उन दिनों काफ़ी चर्चा में रही थी। इस मूवी को क्रेम जोवेल ने डायरेक्ट किया। इसी मूवी बॉलीवुड में बनी है और इस टाइप की एक वेब सीरीज भी बनी है जो हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम फ्लिप है। इस वेब सीरीज में आपको द हंट करके एक सीरीज आएगी जो कि इसी पर बेस्ड स्टोरी है, लेकिन जिसमें क्या है कि किल को पॉइंट मिलता है, जिसका ज़्यादा पॉइंट वह जीत जाता है। आप सोच सकते हैं पहले के लोग शिकार का मतलब पक्षी जानवर का होता था, लेकिन अब लोग अपना शौक में इंसान को शिकार करने लगे हैं। आप सोच सकते हैं यह दुनिया क्या होने जा रही है। इस मूवी को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बैड फील होगा क्योंकि कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए इंसानों का भी कत्ल कर देते हैं। इस मूवी में क्रिस्टल का एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। इस मूवी को देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मूवी का रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।